भल्ला देखेंगे ना, ये पता नहीं 2 या 3 के बराबर एक भल्ला है। अंकल का क्लेम है 35 साल से ना दोस्तों, इन ढाई भल्लों में ना आज तक कंप्लेंट नहीं है इनके पास। जो तीसरी प्लेट हमारी है। तो नमस्ते हमारे फूड स्ट्रीट मीने का दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। तो दोस्तों अब की बार हम नेहरू प्लेस कवर कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहली तो चीज़ हमने यहाँ पर यह सुना था भाई, यहाँ के ना दही भल्ले जो इतने मशहूर है, 35 साल से अंकल लगाते हैं, वो भी साइकिल पे लगाते हैं। साइकिल है क्या है वो जिसमें वो पकौड़े नहीं मिलती ऐसे से, वो जो लोहे का स्टैंड होता है वैसे, दिखाता हूँ आपको ये। तो भाई क्लेम है यहाँ पर, अंकल देख ही नहीं भाई भीड़ ही इतनी है। तो भाई दोस्तों यहाँ पर ना वो क्लेम करते हैं कि 35 साल से इनके ना रिपीट कस्टमर से, और 35 साल में ना आज तक कोई शिकायत ही नहीं आई है भाई इनके पास। तो चलिए हम भी टेस्ट करवाते हैं, बताते हैं आपको भाई शिकायत हमें लगी या नहीं लगी, और सब कुछ अंदर ही बताइए आइए। तो दोस्तों लग रहे हैं अपने साइकिल वाले दही बल्ले भाई, ये लो भाई भल्ले देखो भाई, कितने मोटे मोटे दोस्तों के भल्ले हैं अपने। और देखिए दोस्तों भाई एक साथ इतनी ही यहाँ पर प्लेट रखते हो, और दोस्तों आप आसपास खड़े हुए लोगों को ना एक बार भीड़ भी देख सकते हैं भाई, साइकिल वाले दही भल्ले। और भाई इतनी वेटिंग चलते हैं ना यहाँ पर जिसको कोई हिसाब नहीं है। पैकिंग के लिए भी दोस्तों मिल जाएंगे, ये जो हमारी प्लेट लग रही है ये लग रही है भाई अपनी 30 रुपये की एक प्लेट है। और आप दोस्तों भल्ला देखेंगे ना, ये पता नहीं 2 या 3 के बराबर एक भल्ला है। देखिए अभी इसको काटेंगे तो देख लो, लो भाई होगी कटाई शुरू अपनी बल्ले की। खच 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 उधर ये देखो भाई, ये दूसरे भाई साहब ये पापड़ी क्रश करके डाल रहे हैं, 2 से 3 पापड़ी क्रश करके डलती हैं। और तो दोस्तों क्रंच के बाद से आपको अंदाज़ा लग गया होगा भाई कितनी कुरकुरी पापड़ी है। तो हमें ऐसी उम्मीद है कि भाई क्रंच भी अच्छा आएगा भाई, देखो भल्ले के साथ ना पापड़ी क्योंकि बहुत क्रंची पापड़ी है। ये लो भाई हो गई शुरू। ये कितनी प्लेट है यहाँ पर, 3, 3, 6, 10 प्लेट एक साथ लग रही है दोस्तों। ये देखो भाई पापड़ी क्लोज से देखो आप, है ना दोस्तों बढ़िया पापड़ी मतलब। ये भाई ये इनके अपने मसाले, ये शायद जीरा है या मसाला है भैया ने भाई हमें देखो थोड़ा सा सही से बताया नहीं, लेकिन हमें जीरा लग रहा है। हाँ जो ये अभी लाल लाल है ना भाई, इनके इसमें 15 मसाले डले हुए हैं। अब भाई वही हर कोई ऐसे मसाले डालते दोस्तों, सीक्रेट पे भी करता नहीं है। तो भाई भाई सीक्रेट ही मसाले इनके ये भी। ये दोस्तों नमक अपना सफ़ेद नमक, टाटा नमक, देश का नमक जो डल रहा है इसमें। और भाई मतलब अंकल का क्लेम है 35 साल से ना दोस्तों, इन दही भल्लों में ना आज तक कंप्लेंट नहीं है इनके पास, जो कि भाई एक बहुत बड़ा कंप्लेंट है और एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और लो दोस्तों दही देखते देखो अब, ये लो भाई दही। हाँ थोड़ी सी पतली दही है क्योंकि भाई बर्फ़ डली हुई है, अब ऐसे देते हैं तो भाई देखो ठंडी करने के लिए कहीं और ये रख नहीं सकते ना गाढ़ी करने के लिए। तो भाई दही दोस्तों सही है, और क्वांटिटी भी अच्छी डाल रहे हैं दही की, यानी कि पतली है तो कम डल रही है, क्वांटिटी भाई दही की अच्छी है, ठंडी ठंडी भाई एकदम दही मिलेगी। देख सकते हैं बर्फ़ की दो डली रखी हुई है और उसी के अंदर भाई भल्ले हैं। तो भाई गर्म तो सौदा मिल नहीं सरा यहाँ पर, तो भाई बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। और दोस्तों पैकिंग की 50 रुपये की प्लेट है, और ये है भाई अपनी 30 रुपये की लग रही है ये बिना पैकिंग की हुई। लो भाई ये इसके ऊपर भी ये जीरा डाल रहे हैं, पहले डल चुका था एक बार फिर से। लो दोस्तों फिर से वही इनका सीक्रेट मसाले 15 मसाले जो इन्होंने बताया था ये बना के लाते हैं। तो ये उसके ऊपर फिर से नमक, और ये लो भैया ये मीठी चटनी है भाई, ये थोड़ी सी गाढ़ी है चटनी, ये बढ़िया है। तो भाई यहाँ पर दोस्तों इतनी भीड़ लगी रहती है ना, और रिपीट कस्टमर्स की भाई इनकी गिनती नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए सारी प्लेटें लग चुकी हैं अपनी। तो चलिए दोस्तों बस अपने को भी इसमें उम्मीद है मिल ही जाएगी। तो चलिए मैं आपको ना एक बार सीधा टेस्टिंग की तरफ लेके चलता हूँ। लो दोस्तों भीड़ भी देख लो भाई, चलिए टेस्टिंग की तरफ चलते हैं सीधा। तो गाइस ये हमारी थर्ड प्लेट है, कितनी है 3 3 तीसरी प्लेट हमारी है। और ये अंकल दावा करते 35 साल अंकल को यहीं पे लगाते हुए हो गए, और अंकल दावा करते हमारे में कोई कंप्लेंट नहीं आई, और हमारा मोर देन 80% 100% क्या रिपीट कस्टमर का है। तो भाई तीसरी प्लेट है, मुझे तो पहली प्लेट दूसरी प्लेट बहुत बढ़िया लगी।
तीसरे ने सोचा चलो व्लॉग ही बना लेते हैं इनका, हम टेस्ट करते हैं। एकदम सॉफ्ट जैसे बोलते हैं ना, अब एकदम सॉफ्ट और क्रीम जैसे मुझे दही लग रहा है एकदम। तो फटाफट से टेस्ट करते हैं मैं, और पापड़ी भी डाल लेते हैं, पापड़ी बाद में खाते हैं। बोला था थर्ड प्लेट है, पहले दोनों मुँह में जाते एकदम घुल रहा था, इतने भी घुल रहा है अब एकदम। जो बहुत सॉफ्ट भल्ला बना रखा है भैया ने, और जो दही एकदम बहुत क्रीमी दही है, और जो भैया ने मसाले डाले जो क्या थे 15-16 मसाले हैं, और शायद लाल मिर्ची भी थी भाई, हाँ दिखने लग रही, और चटनी। तो दूसरी बार लेते हैं, इसमें थोड़ा मसाले चटनी वगैरह भी आएगी। गाइस अमेजिंग चीज़ है। आप भी यहाँ पे नेहरू प्लेस में, अगर भैया इनका लाइन मैं बताऊँ सामने आपको सैमसंग स्मार्ट कैफे दिख जाएगा, उसके जस्ट सामने लगाते हैं। और आसान बताऊँ तो ये बोर्ड लगा होगा, जस्ट बोर्ड के नीचे लगाते हैं अंकल। मैं तो रिकमेंड करता हूँ आप भी नेहरू प्लेस में अगर रहते हो, आसपास रहते हो, आप आके बिल्कुल इनका खाइए। और हम मिलते आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पे, और नोटिफिकेशन बनाना ना भूलें, और चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर दिया करो ऐसे, फिर हमारे भी बढ़ेंगे फॉलोवर्स। तो चलें इनको इतने फ्रेश कर दो, मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।